बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 मंजिला पैकेजिंग फैक्ट्री में एक बॉयलर विस्फोट से भीषण आग लग गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 74 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। बताया जा रहा है कि टेम्पको फाइल्स फैक्ट्री में आग सुबह करीब 6:15 पर लगी। वहीं आग बुझाने की कोशिश के दौरान इमारत की 2 मंजिल आंशिक रूप से ध्वस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इस कारखाने में आलू के चिप्स और मच्छर मारने के कोयल जैसे छोटे मोटे घरेलू सामान का उत्पादन और प्लास्टिक पैकेजिंग की छपाई का काम किया जाता था। ढाका के पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन इस अग्निकांड में हुए जान माल के नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। देखते रहिए डीबी लाइव।